तमाशा करना, मेरे घर बैठ के तमाशा कर दिए। सुन मैं बता रही हूँ, मेरे घर पे आके ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन, मैं ना इसीलिए चुप हूँ कि ना घर तेरे घर वालों की इज्जत कर दूँ, ठीक है? तुम्हारे चक्कर में इस बच्चे को इधर उधर बस में लेके मत घूम। मैंने क्या बोला? गाड़ी में मैं इसीलिए चुप हूँ कि कहते तेरे घर वालों की इज्जत कर दूँ। तो उंगली दिखा किसे बात कर रही है? मुन्नू हो तुम, ना अभी बढ़ता बना दूंगा मैं। मुंह मत खोलो मुन्नू को, दे मैं बुलाऊंगी फिर से मेरे बच्चे को। दे नहीं बुला, आ मैं बच्चा इसको छेड़ मत, इसको लग जाएगी कहीं पे, लग जाएगी इसको। और किस लिए? मैं कह रही हूँ अपने हाथ मत उठा यहाँ ला के मुझे, ठीक है? यहाँ बुला के हाथ मत उठा। किसी के सामने तमाशे दिखा रही है? मैंने बुलाया इधर, तो घर वालों ने बुलाया है, मैं भेज रहा हूँ। मेरे घर पे तमाशे दिखाने मुझे आने का शौक नहीं था, ठीक है? अब सबके सामने बात होगी ना, जो आज के बाद ना मतलब नहीं तो उलझे बंदों को देख, ठीक है? निकल ले यहाँ से। आया तो फिर मतलब कि मैं ना अपने मतलब कि वापस जा रहा हूँ दिल्ली, और जो भी बातचीत हुई है जो भी हुआ है सब मैं बैठ के मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। क्या है इन्हें थोड़ा समझा मेरे गाइस। फाइनली मैं दिल्ली आ चुकी हूँ अपने फ्लैट पे। अब मुझे क्या करना है, फ़ोन मेरा मिल चुका है वापस क्योंकि उसकी फैमिली ने दिला दिया। और बाकी वहाँ पे बात ये हुई है कि उस इंसान ने बोल दिया साफ साफ कि मुझे नहीं रहना साथ, मैं इससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। और मैंने भी बोल दिया ठीक है, तो ये डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं भी डिवोर्स ही लेना चाहती हूँ। वैसे भी इन्होंने बहुत मतलब कि इसने विशान ने बहुत ज़्यादा हरकत कर दी है, ठीक है? तो मैं भी नहीं इसके साथ रहना चाहती। इसने तो बोल ही दिया अपनी फैमिली में, इसकी फैमिली ने बहुत समझाया मुझे भी इसको भी, पर मैं तो फिर भी उनकी समझ रही थी, उनकी सुन रही थी। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं हमारे कहने से मान लिए, इस बार कर लो शांत हो जाओ ये कर लो। मैंने फिर भी मानी, मैंने सुन ली उनकी, मैंने कहा ठीक है मैं माफ़ कर दूंगी। बट अगले मतलब कि बोलते ना गिल्ट फील हुआ उसको, उस बंदे को इतना सा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा अभी भी। वो कह रहा है कि उसको लगता है कि वो अभी भी बहुत सही है अपनी जगह पे। तो ठीक है यही हुआ है वहाँ पे, मैं फोन वोन लेके आ गई और फिर देखा आपने लास्ट में मैंने दिखाया क्लिप बनाई, उसको नहीं पता था मैंने कैमरा लगा रखा है, मैंने कैमरा सेट किया हुआ था तो ना उसको लगा मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो अपने घर से भी मुझे निकाल रहा था, बहुत देर से हरकत कर रहा था। मैंने फाइनली कैमरा बाद में लगा ही लिया, तब इसकी हरकत बहुत हो गई ना, तो मैंने कैमरा लगा लिया। मैंने कहा दिख तो जाए सबको और इनको भी इनकी फैमिली को भी कि ये मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से भी ये मुझे निकाल रहे हैं। मैं खुद नहीं जाना चाह रही हूँ अपनी बच्ची को लेकर इतनी रात में, क्योंकि अब मैं सिंगल मदर रहूँगी अपनी बेटी की। वो मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका सब कुछ, अपने बेटे के लिए सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है? तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो यार प्लीज़। और जैसा भी है ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है आप लोगों को सब पता है, तो कुछ लोग हैं जिनको पूरी स्टोरी का पता है नहीं और आकर फालतू में कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ उनके आगे मैं हाथ जोड़ रही हूँ। फालतू कमेंट मत करो, हार्ट होता है आपकी कमेंट पढ़ के, क्योंकि मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। और आप लोग कभी बोल तो ड्रामा है ये है वो है, प्लीज़ मत करो, क्योंकि मुझ पे बीत रही है तो मुझे ही पता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी लॉयल फैमिली है जो मेरी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली, तो उनको पता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किसकी गलती है क्या है। और बाकी अगर न्यू जो है ना उनको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके पुरानी वीडियोज़ पहले की जो वीडियोज़ पड़ी है यूट्यूब पे फेसबुक पे वो जाके आप देख लो, आपको पूरी कहानी का पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी है मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अब करूँगी अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए करूँगी, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं कब तक ऐसे रहूँगी मतलब कि उसके लिए सोचती रहूँगी, अपनी टेंशन लेती रहूँगी, अपने आप ही कमज़ोर हो जा रही हूँ, बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ मैं, अंदर बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। डॉक्टर से मैंने चेकअप भी कराया तो बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आपके सामने, फैमिली यूट्यूब फैमिली के सामने नहीं कर सकती हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स की जो आई हैं, ठीक है? उसने हाथापाई किए मेरे साथ में, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने चेकअप कराया तब उसमें पता चला, मुझे रिपोर्ट आई है मेरी। तो मैं तो ये कहूँगी मैंने बहुत कर लिया, मैं अब मूव ऑन करने जा रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे के चक्कर में, क्योंकि फैमिली के सामने भी बैठ के बात कर ली, बंदा नहीं मान रहा है, बंदा नहीं सुन रहा है, ठीक है? और मैंने खुद भी बहुत करके देख लिया, मैंने बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, बस हुआ। तो मैं तो यही बोलूँगी अभी आप जितना सपोर्ट मुझे करते हो
उसके लिए थैंक यू सो मच, आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहना। और जो न्यू पब्लिक है तो प्लीज़ जाके पुरानी वीडियोस देख लो, आपको पूरी कहानी का पता चल जाएगा। एक वीडियो देखकर आप कमेंट मत किया करो, क्योंकि आपको कुछ भी सब पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप कमेंट कर देते तो मुझे हर्ट होता है, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, बस वही रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक का रिप्लाई करने लगी तो फिर और बंदे हैं जो कमेंट करेंगे, वो खुद भी कमेंट करवा सकता है, दिशांत भी किसी से कमेंट करा सकता है नेगेटिव, तो मैं नहीं चाहती मैं किसी को रिप्लाई दूँ। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो न्यू हैं वो जाके पुरानी वीडियोस देख लो, और बाकी सबको तो पता ही है क्यों और कैसे क्या हो रहा है। तो अभी बस यही कि डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है मैंने, अपने वकील को बोल दिया है, तो जो ऐसा भी रहेगा मैं आपको आगे आगे अपडेट देती रहूँगी। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।